नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेगा पेन किड टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के फायदे, नुकसान और इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कितने दिन तक इस्तेमाल करना होता है, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, मेगा पेन किड टैबलेट आती है अरिस्टो कंपनी की, और इसमें जो सॉल्ट है वो है एम्पिसलिन एंड क्लोक्सासिलिन डिस्पर्सिबल टैबलेट 125/125, यानी कि इसमें एम्पिसलिन और क्लोक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन है जो कि स्ट्रेंथ में 125 mg दोनों ही हैं। और इसका जो MRP है वो है ₹20.45 10 गोलियों का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, ये किस काम में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, मेगापेन टैबलेट एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। इसका मेन काम होता है कि बैक्टीरिया के संक्रमण को मार के प्रॉब्लम को ठीक करना, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, टॉन्सिल, साइनस, निमोनिया और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, आँख, नाक, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, या फिर टाइफाइड की प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, गोनोरिया, यौन रोग। दोस्तों, ये किड टैबलेट है तो ये बच्चों के लिए है और पानी में घुलने वाली होती है। इसे बड़े आसानी से दे सकते हैं बच्चों को जो कि 1 से 5 साल के बीच में हैं, होते हैं बच्चे। तो बड़ों के लिए भी आती है मेगापेन, तो उनके लिए सेम ही प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और इसका उपयोग गुप्तांगों में इन्फेक्शन होना या फिर स्किन का किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, फोड़ा, फुंसी, घाव आदि को सुखाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आग से जल जाने पर भी इस टैबलेट को दिया जाता है, उसके घाव सुखाने के लिए भी दिया जाता है। छाती में रेशा जमने की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है तब भी इस टैबलेट को दिया जाता है। और इसकी डोज की बात करें तो एक एक टैबलेट दी जाती है, सुबह शाम दी जाती है, और अकॉर्डिंग टू एज और बॉडी वेट के हिसाब से भी इस टैबलेट को दिया जाता है। ये डॉक्टर ही बताएंगे आपको कि कितनी मात्रा में देना है बच्चे को। हो सकता है वो 1 साल या 2 साल के बच्चों को ना देते हों, लेकिन ये 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए सेफ मानी जाती है टैबलेट। अगर 1-2 साल के बच्चों को देना है तो आधी आधी टैबलेट सुबह शाम देनी चाहिए, और अगर 4-5 साल का बच्चा है या 5 साल से बड़ा है तो उसे एक टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है। लेकिन आपने अपनी मर्जी से नहीं देना है, डॉक्टर से पूछकर ही इस टैबलेट को, दिखाकर ही इस टैबलेट को देना है। अपनी मर्जी से कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसे 3 दिन या फिर इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो तो फिर 7 दिन भी इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, नुकसान की बात करें, तो इसको लेने से पेट दर्द, चक्कर आना, खुजली होना, शरीर में गैस बनना, सिर दर्द, पीलिया, घबराहट, उल्टी, मतली या फिर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसे आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद।